हाय, मेरा नाम विवेक है और आज की एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है दो बच्चों की, एक लड़का और एक लड़की की। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन दोनों साथ में स्कूल गए। स्कूल खत्म हुआ तो छुट्टी हुई। छुट्टी के वक्त दोनों अपने अपने घर जाने लगे। लड़का लड़की से बात कर रहा था तो बात हुई बातों में लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हें पता है मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत कंचे हैं, ये देखो। तो इतना सुनकर लड़की उस पर हंसती है और अपने बैग में हाथ डालकर बहुत सारे टेस्टी चॉकलेट्स निकाल कर दिखाती है और कहती है देखो मेरे पास इतने सारे चॉकलेट्स हैं। लड़के के मन में उस लड़की के चॉकलेट्स को देखकर लालच आ जाता है। लड़का सोचता है कि काश ये चॉकलेट्स मेरे पास होते। लड़का तरकीब लगाता है। लड़का कहता है कि एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने सारे चॉकलेट्स दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें अपने सारे कंचे दे दूंगा। लड़की मान जाती है क्योंकि लड़की को भी वो कंचे बड़े ही प्यारे लग रहे होते हैं। लड़की अपने सारे चॉकलेट्स उस लड़के को दे देती है, लेकिन जब लड़का अपने कंचे उसे दे रहा होता है तो उसमें से सबसे खूबसूरत कंचा अपने पास रख लेता है। लड़की घर जाती है, उन कंचों से खेलती है और सो जाती है। लेकिन जब लड़का उन चॉकलेट्स को खा रहा होता है तो उन चॉकलेट्स को एंजॉय करने के बजाय वो ये सोचने लगता है कि कहीं उस लड़की ने भी सबसे टेस्टी वाला चॉकलेट अपने पास तो नहीं रख लिया। और ये सोचते सोचते वो उन चॉकलेट्स को एंजॉय ही नहीं कर पाता है। अर्थात जिंदगी वैसी ही नजर आती है जैसे हम होते हैं। जब खुद का मन साफ है तो क्या बात है। वो कहते हैं ना कि सूरत तो यहाँ सबकी है कमाल, साफ है नीयत कितनों की, यही है सवाल। जब हमारे खुद के मन के अंदर खोट होता है तो हमारे साथ चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, हम उसे हमेशा शक की नजरों से ही देखते हैं। कोई हमारे लिए अच्छा कर सकता है, हमारे लिए अच्छाइयाँ दे सकता है, लेकिन हमारे अंदर की बुराइयाँ नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हमें निकालना पड़ेगा। खुली आंखों से दुनिया को देखोगे तो दुनिया नजर आएगी, बंद आंखों से दुनिया को देखोगे तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। जरूरत है तो आंखें खोलकर दुनिया देखने की, तभी आपको अच्छी चीजें नजर आएगी। मन के अंदर खोट और कालापन मत रखो, मन को साफ रखो, सब कुछ अच्छा दिखेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, जिंदगी कमाल की हो जाएगी। और याद रखो, विवेक आपसे हमेशा यही कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। अगर आपको मेरी कहानियां ऐसे ही पसंद आती हैं तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।